अब तीनों भगवान जो थे वहां पहुंच गेला। अब माता अनुसुईया साधु सबके सेवा कर रहल छता। आ ओय समय में अत्रि मुनि जी गंगा स्नान करे के लिए गेलखिन। तीनों भगवान साधु के भेष में भिक्षां दे तीनों बाबा जो आवाज लगाए। माता अनुसुईया ऐसे भी कहा गया है, दरवाजे पर आए हुए अतिथिगण को कुछ न कुछ विदा करके उन्हें लौटाना चाहिए, ना जाने किस भेष में मिल जाएगा भगवान। क्या पता किस भेष में भगवान आ गए हैं आपको दरवाजे पर तारने के लिए, आपको जीवन में श्रद्धा पुराने के लिए, आपका सुंदर जीवन बनाने के लिए। इस प्रकार से भगवान जो है तीनों भिक्षां दे ही कर रहे हैं। माता अनुसुईया ने तीनों महापुरुष को बुलाए और वरा सबसे पहले आकर के हाथ जोड़ करके तीनों को चरण में प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद तीनों महापुरुष को स्थान दिया गया बैठने के लिए। तीनों महापुरुष बैठ गए आनंद से। और बैठने के बाद माता अनुसुईया ने कही कि हे नाथ, हे संत महापुरुष, आप लोग हमारे कुटिया में आकर के हमारे कुटिया को बड़ा पवित्र कर दिए, धन्य कर दिए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, सुहागवती रहो सदा, सुहागवती रहो, खुश रहो। उसके बाद बाबा से निवेदन माता अनुसुईया ने की कि बाबा चरण को धो लिए, चरण अमृत ले लिए, अब जो है भोजन की बारी आ गया। बाबा भंडारा हुआ है, उस भंडारा में आप भोजन कर दीजिए। कहा देवी, मैं भोजन ऐसे नहीं करूंगा, भोजन के साथ एक शर्त, अगर वह शर्त तुम्हें मंजूर हो तब तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। का शर्त क्या है? कहा बाबा, आप अपना शर्त अपने भाव से बोलिए, क्या कैसे आपको भोजन कराया जाए, किस प्रकार कराया जाएगा। आप जिस प्रकार कहिएगा उसी प्रकार आपको भोजन करा दूंगा। माता अनुसुईया ने उस समय कही तीनों देव ने कहा, भोजन कराने से पहले एक शर्त सुन लो, क्या शर्त है। कहा शर्त बाबा बाद में हम सुनेंगे, पहले भोजन आप कर लीजिए ना, थोड़ा सा भंडारे भंडारा वाला भोजन है बाबा, सब साथ संत महात्मा भोजन किए हैं, कर लीजिए ना, अब भी दूर दराज आए हैं। कहा नहीं, कहा मैं भोजन तभी करूंगा जब हमारी शर्त को मंजूर तुम करोगे। कहो कहिए बाबा। माता अनुसुईया ने कही, घर ही मंदिर बनाई तीर्थ कर नहीं जाई आहो नहीं जाई भाई नहीं जाई भाई आ नहीं जाई भाई नहीं जाई भाई नहीं जाई भाई हम नहीं जाई भाई। बाबा कितना महात्मा सब के भोजन के लिए भंडारा कर लिए बाबा, अब भोजन नहीं कर। अहो घर ही में मंदिर बनाई
आइए एक माता जी की ओर से 10 रुपये के दान और एक और माता है उनकी ओर से भी 1 रुपये के दान आए हैं। उन माई के चरणों में हमारी ओर से प्रणाम स्वीकार हो। मान कहे माता सुया कहे कि हे ब्राह्मण देव हे संत महापुरुष भाई सुन के हमारा विष्णु माना भाई हर कल के तीनों बाबा कल के अनसुईया यदि हमारी शर्त को तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगी करूंगा। और एक बात और सुन लो मैं तुम्हें शराब भी दे के चला जाऊंगा। बाबा के चरण में माता अनसुईया ने निवेदन किया बाबा आप अपना शर्त को रखिए। क्या सर बाबा ने कहे अरे अपना अपना कमंडल तीनों नदी खिलाए अपना अपना कमंडल तीनों नदी खिलाए अपना अपना कमंडल तीनों नदी खिलाए बालू को हलवा बनाओ तब तो हम पाए। कहा बालू को यदि तुम तीनों कमंडल बालू है इस बालू को यदि तुम हलवा बना दोगी तब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इतना ही नहीं एक और शर्त है और ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो बोलो नहीं तो जय श्याम रामचंद्र की जय।
कहा क्या बाबा, तन से तुमको कपड़ा हटाना पड़ेगा, तन से तुझको कपड़ा हटाना पड़ेगा, अरे तन से तुझको कपड़ा हटाना पड़ेगा, तन से तुझको कपड़ा हटाना पड़ेगा बाबा। अरे जंघों पे बैठा कर भोजन करो, जो ही कहा बाबा जंघों पे बिठा कर भोजन करवाना पड़ेगा। माता अनुसुईया जो हाथ जोड़ी थी, आंख बंद करके अपनी कुटिया को अंदर भाग गई और कुछ देर तक माता की होश उड़ गई। माता ने मन में सोच रही है, आज तक बहुत सारे साधु को देखे हैं, संत महात्मा पुरुष को देखे हैं, लेकिन ऐसा महात्मा को आज पहली बार देख रहा हूं जो ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार वचन बोलते हुए, थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आया महात्मा को। माता अनुसुईया ने कुछ पल अपना होश हवास संभालती है, मन ही मन सोच रही है क्या क्या जाए, साधु तो बहुत बड़े समस्या हमारे नजदीक रख लिए हैं। माता ने उस समय अपने पति परमेश्वर अत्रि मुनि जी को याद किए, याद करते हैं दिव्य दृष्टि से जो तपो बल की शक्ति उसमें आ जाती है। अभी से अभी हम लोग फोन से बात करते थे, उस समय का मोबाइल वो लोग को संत महात्मा को जो है दिव्य दृष्टि होते थे जो कि तपो बल की शक्ति से उन्हें प्राप्ति होती थी। माता अनुसुईया ने जब ध्यान लगाती है उस समय अत्रि मुनि गंगा स्नान कर रहे हैं और पति का ध्यान पत्नी का ध्यान दोनों को जब मिलती है, पत्नी ने आवाज लगाई, पतिदेव स्वामी। उधर से अत्रि मुनि कहो देवी क्या बात है, आज तुम बड़ी डरी डरी सी लग रही हो। अरे तुम संत को सेवा करने वाले भगवान की भक्ति करने वाले इस प्रकार तुम डर रही हो, क्या बात है बोलो। कहा बाबा आज तक जो हमने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं और जीवन में वो समस्या आ गई जो क्या बताऊं, क्या बात है बोलो ना। अनुसुईया ने कही प्रभु हे स्वामी हमने आज एक बड़ा आश्चर्य की बात सुनी देखी है, एक बाबा ने हमारे साथ में शर्त रखी है। कहा क्या शर्त है। कहा कि वो तीन कमंडल बालू लाए हैं और तीनों कमंडल बालू को कह रहे हैं कि हलवा बनाओ, और ऐसे ही नहीं तन से तुमको कपड़ा हटाना पड़ेगा और जंघों पर बैठा कर भोजन करवाना पड़ेगा। वस्त्र होकर के हे स्वामी भगवान से मैं यही वादा करता हूं कि आज मैंने तन मन और वचन से मैं आप ही को पति मानी हूं और यह तन आपको ही है, आपके अलावा आज तक मैं स्वप्न में भी नहीं देखा पर पुरुष का, आज मैं कैसे इस परीक्षा से पास करूंगी। उस समय अत्रि मुनि जी ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके तीनों महात्मा के बारे में जानकारी ले ली।
और तीनों महात्मा के बारे में जब जानकार लेते हैं तब जाकर के इधर से अत्रि मुनि कहती है, कहते हैं कि हे देवी तुम धन हो, तुम धन हो देवी, संग ही मैं राम जी भज लगी कल के हे देवी संग ही में ब्रह्मा संग ही में विष्णु संग ही में भोला बाबा भजले किया किया ना कल के सब जे इष्ट देवता को पूजे छो जे मालिक के भजे छो आए तो धन छो जो तोरा दरवाजे पर तीनों मालिक आयल छ माता अनसुईया जे सुनले बात अपना दिव्य दृष्टि जब देखे छे बात दोनों मिल गेले तब माता अनसुईया की कर लका वह समय में जे चरणा अमृत बाबा के चरण धोलखनी करे वह चरणा अमृत लेके ओय जगह कर के बाबा अपने के आप कहे अनुसार जे अपने के शर्त छे उस शर्त के पूरा कर जाए तो के ठीक है कराओ अब बाबा उसी समय तीनों बाबा बैठ गए तीनों बाबा को आसन लगा दिया गया अब माता अनसुईया ने वही चरणा अमृत लेकर के पति नाम की माला जपी है अनसुईया पति नाम की माला जपी है अनसुईया पति नाम का माला मालिक का नाम पति का परमेश्वर सब कुछ हे मालिक आप ही हैं पति नाम की माला जपी है अनसुईया हो पति नाम की माला जपी है अनसुईया अरे छह मास का बालक बांधा दिया माता ने तीनों पर चरणा अमृत लेकर के छिड़क दी श्याम रामचंद्र की अब तीनों हो गए छे छे महीना का बाबा अब बताया जाए पति नाम पति वर्ता धर्म पालन करने वाले की पास कितनी बड़ी शक्ति है वहां कोई ना मंत्र है ना कोई जंत्र है सीधे पति ही परमेश्वर